हाउ टू फिक्स योर आयरन फार्म इन माइनक्राफ्ट 1.20 या फिर उससे ऊपर के जितने वर्जन हैं उन सब के लिए। तो भाई ये जो है पॉकेट एडिशन, बेडरॉक एडिशन और जावा एडिशन तीनों में काम आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो भाई सबसे पहले तुम में से कई सारे लोगों ने अपना फार्म बना रखा होगा आयरन फार्म, इसलिए भाई तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो भाई पहले तुम लोग एक चीज चेक कर लो कि जो तुम्हारा आयरन फार्म है क्या उसके आसपास कोई विलेज या फिर कोई बेड तो प्लेस नहीं हो रखा 150 ब्लॉक्स के गैप के अंदर में। और भाई देखो अगर तुम्हारे आसपास कोई विलेज है या फिर कोई बेड है तो भाई तुम्हारा फार्म वर्क नहीं करेगा, ये मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। और अगर बाय चांस तुम में से कई लोग ये जानना चाहते हो कि भाई हम लोग कैसे पता लगाएं कि जो हमारा विलेज या फिर बेड है वो 150 ब्लॉक्स के अंदर है या फिर नहीं, तो उसके लिए तुम लोग सिंपली एक काम कर सकते हो, तुम लोग अपने वर्ल्ड का एक कॉपी वर्ल्ड बना लो गेम सेटिंग्स के अंदर जाके। उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा एक कॉपी वर्ल्ड आ चुका होगा, सिंपली उस वाले वर्ल्ड के अंदर जाओ, उस वर्ल्ड की जो गेम सेटिंग्स है भाई उनको क्रिएटिव मोड पे जाके शिफ्ट कर दो। और भाई हाँ पहले ही बता दूँ इससे तुम्हारे सर्वाइवल वर्ल्ड पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और भाई जैसे तुम लोग क्रिएटिव मोड इनेबल कर दो अपने कॉपी वर्ल्ड के अंदर, उसके बाद उसका तुम्हें कमांड डालनी होगी जो कि होगी /locate स्ट्रक्चर विलेज। और भाई उसके बाद जो है वो तुम्हें एक नियरेस्ट विलेज के कोऑर्डिनेट्स बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि वो जो विलेज है वो तुमसे कितने ब्लॉक्स दूर है। तो भाई उससे तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि तुम्हारा जो आयरन फार्म है वो कितना दूर है तुम्हारे विलेज से, तो भाई इससे तुम लोग पता लगा लोगे। और गाइस अगर वो 140 ब्लॉक से भी ज़्यादा आ रहा है ना तो मैं रिकमेंड करूँगा तुम लोग थोड़ा दूर जाके अपना एक नया आयरन फार्म बनाओ। तो चलो मान लेते हैं कि जो तुम्हारा फार्म है भाई वो विलेज से बहुत ही ज़्यादा दूर है और वो तब भी वर्क नहीं कर रहा, तो भाई तुम लोग इसे फिक्स करने के लिए तीन चीज़ें चेक कर सकते हो। सबसे पहले तुम्हें जो है यहाँ पे अपने नंबर ऑफ बैट्स को चेक करना पड़ेगा जो कि तुमने अपने फार्म में प्लेस करे होंगे। अगर तुमने यहाँ पे 20 बैट्स प्लेस करे हैं तो फिर ठीक है, अगर उससे कम या फिर ज़्यादा कर दिए हैं तो जाके उन्हें भाई एकदम मस्त तरीके से फिक्स करो और भाई टोटल में से 20 बैट्स को प्लेस करो। और भाई जैसे तुमने ये सब फिक्स कर दिया, और गाइस तुम्हें एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारा फार्म है उसके अंदर 20 विलेजर्स ही होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा विलेजर्स हैं या फिर उससे कम भी विलेजर्स हैं भाई वो तब भी वर्क नहीं करेगा। कभी कभार ऐसा होता है जब तुम लोग अपना फार्म बना रहे हो तो, और भाई अगर तुम्हारे विलेजर्स 20 से कम भी हैं भाई वो तब भी वर्क करने लग जाता है। पर गाइस वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क करेगा, वो भाई तुम्हारा लॉन्ग लास्टिंग फार्म नहीं बनेगा। तो भाई मान लो तुम्हारे इस फार्म के अंदर 20 विलेजर्स भी हैं और तुम्हारे पास 20 बेड भी प्लेस हो रखे हैं, तो भाई अब पता तुमने कहाँ गलती कर दी होगी। तो भाई जो तुम्हारे विलेजर्स हैं 20 उनके अंदर में से भाई कोई भी ग्रीन सूट वाला विलेजर या फिर कोई भी बेबी विलेजर नहीं होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी ग्रीन सूट या फिर बेबी विलेजर है तो भाई तुम्हें उन्हें तुरंत मार देना है। और भाई मैं जानता हूँ कई लोग ऐसा कहेंगे कि यार हम तो सिर्फ 2 विलेजर्स को लेकर आते हैं और भाई फिर हम लोगों ने ब्रीड कराते हैं इसलिए हमारे पास बेबी विलेजर्स कई सारे हैं। तो भाई तुम्हें जब तक वो बेबी विलेजर बड़े नहीं हो जाएं तुम्हें जब तक वेट करना होता है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जो तुम्हारा बेबी विलेजर है वो बड़े होकर ग्रीन सूट वाला विलेजर तो नहीं बन गया। अगर भाई वो ग्रीन सूट वाला विलेजर बनेगा तो वो जॉब नहीं लेगा, और वो अगर जॉब नहीं लेगा तो भाई तुम्हारा फार्म भी वर्क नहीं करेगा। इसलिए भाई तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान जरूर से रखना है। बाकी यार इससे तुम्हारा फार्म 100% फिक्स हो जाना चाहिए भले वो तुम कोई से भी वर्जन में बना रहे हो। बाकी यार अगर तुम्हें फार्म का ट्यूटोरियल चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसका मैंने खुद ट्यूटोरियल दिया है जो कि बहुत सारा ईजी है, तो भाई जाके तुम लोग उसे चेकआउट कर सकते हो। बाकी यार मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो के अंदर। आई होप तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तुम्हारा फार्म भी वर्क कर रहा होगा।